अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट, आज मैं हूँ इमारत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मैथ्यू हेड ने कहा कि कप्तान बाबर आजम एक स्पेशल खिलाड़ी है, हैरान ना हो जब वो बड़े मैचों में कुछ कर दिखाए। कौमी क्रिकेट टीम के मेंटोर मैथ्यू हेड ने सिडनी में T20 वर्ल्ड कप के पाक न्यूजीलैंड सेमीफाइनल से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बड़े मैचों में शानदार वापसी हो सकती है और कप्तान बाबर आजम एक स्पेशल खिलाड़ी हैं, दुनिया हैरान ना हो जब वो बड़े मैचों में कुछ कर दिखाए। मैथ्यू हेड ने मजीद कहा कि मीडिया 92 वर्ल्ड कप वाली सूरत हाल से मसरत की बातें कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई ग्राउंड बड़े सगीर की टीमों को सपोर्ट करता है तो वो सिडनी है। जब सेमीफाइनल में पहुंचे तो शादाब खान ने कहा, वेलकम टू पाकिस्तान क्रिकेट। साबिक चारे मिजाज राज्य ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ने कहा कि न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक खतरनाक और तजर्बाकार है, क्योंकि भी टीम ने इस ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, साउथ ही मेरे साथ खेला है, इससे इसके तजर्बे को अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैथ्यू हेड ने पाकिस्तानी टीम का कहना था कि T20 सिर्फ पावर का खेल नहीं है, इसमें जिद्दत भी करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के पास पावर है लेकिन वो नई बात से नाकाम हुए। वाज़ेह रहे कि T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। तो व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खुदा हाफिज़।